अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साकिब ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम जो रिसेंटली सिंध पुलिस के अंदर जो है वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वैकेंसीज जो है बेसिकली वो जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए हैं, BPS 9, और उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है 910, यानी 910 जो है भर्तियाँ होंगी हैदराबाद रीजन के अंदर, हैदराबाद रेंज के अंदर। अच्छा, और ये जो है वो STS की तरफ से टेस्ट लिया जाएगा। STS यस मीन्स IBS अखर की तरफ से। तो इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 28 साल है, और इसमें जो गवर्नमेंट की रिलैक्सेशन है वो 5 साल की है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जो रिलैक्सेशन है वो बेसिकली 13 इयर्स की हो गई है रिसेंट वो नोटिफिकेशन के बाद। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके चालान के बारे में मैं आपको बता दूँ, जो इसका चालान है वो 1200 रुपीज़ का है। हाँ, इस बार काफ़ी महंगा चालान रखा गया है, तो जो कैंडिडेट अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वही इसमें अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, इसमें जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, लेकिन ये जो पोस्ट है ये ऑनलाइन अप्लाई होंगी। STS के पोर्टल पे, STS की वेबसाइट पे जाकर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपका STS पर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपने सिर्फ वहाँ पर लॉगिन करके और अप्लाइड पोस्ट के अंदर जाकर इसको आपने अप्लाई कर देना है, और चालान जनरेट हो जाएगा और वो चालान आपने बैंक में सबमिट करवा देना। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें यहाँ पर एडिशनल 15 मार्क्स जो है वो उन्हें दिए जाएंगे जो पुलिस मुलाजमीन के बेटे हैं, जो कि वो रिटायर हो चुके हैं या सर्विस जो है वो 25 साल उन्होंने मुकम्मल कर लिए, वो तमाम मुलाजमीन को इजाफी 15 मार्क्स दिए जाएंगे इस शर्त पर कि वो टेस्ट पास कर लें, तब इंटरव्यू में दिए जाएंगे, रिटन टेस्ट में नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, जो इसकी लास्ट डेट है वो 10 जुलाई है 2013। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन का तरीक़ाकार शेयर करूँगा।